हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन डब्ल्यूएलएन वीडियो सीरीज में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जानने से पहले हमें एक दूसरी तरह की एनर्जी के बारे में बात करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स, ये होती क्या है? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि हमारे चारों तरफ होती है, जैसे कि माइक्रोवेव्स हो जाती हैं, उसमें एक्सरेज आ जाती हैं, गामा रेज आ जाती हैं, या सनलाइट को भी हम एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव बोल देते हैं। थियोरेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं? लेट्स सपोज कि आपका एक ग्राफ बन जाएगा इस तरह से, ठीक है? इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये किस तरह से आती है? सपोज आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के ऊपर आपने कोई कॉपर वायर से वाइंड कर दिया है उसको, और उसके साथ एक पावर बैंक लगा दिया है, बैटरी लगा दी है या कोई सेल लगा दिया है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उससे इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा इसके अंदर, ठीक है? इलेक्ट्रिकल करंट पास होते ही इसके चारों तरफ एक रेडिएशंस इंड्यूस हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यही वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्ट होती है। तो एक पार्ट जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो हमने उसको फीड किया और हमें उसके साथ मैग्नेटिक वेव्स इंड्यूस हो गई। सो जब ये दोनों कंपोनेंट एक साथ आ जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक रेंज होता है, उस रेंज को समझने के लिए चलिए इस नीचे बने हुए चार्ट को देखते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस चार्ट के अंदर जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस जो होती हैं वो एक पार्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। चलिए अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मेजर कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मेजर करने के लिए आपको एक यूनिट याद रखना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। ये हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज और आगे तक ये जीगा हर्ट्ज तक जाता है, ठीक। हमारी आरएफ जो फ्रीक्वेंसी होती है, आरएफ हमारा जो जो लाई करता है वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी में लाई करता है, जिसको हम रखेंगे 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज और 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की रेंज में। इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज को हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज या रेडियो वेव्स बोलते हैं। जिनको ऑलरेडी वायरलेस लैन के बारे में पता है उनको मालूम है कि वायरलेस लैन में 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का हम बैंड यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करते हैं, वो हमारा इस के बीच में आता है। तो ये तो हुई बात आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अगले वीडियो में हम देखेंगे, हम जानेंगे कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इन रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग नेक्स्ट जेन डब्ल्यूएलएन। थैंक यू।